विजिट दिस बैजनाथ टेम्पल. तो ये बैजनाथ टेम्पल की जो ड्राइव थी मेरे होम स्टे से, इट टुक मी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, 12 किलोमीटर्स कुछ है. एंड यहाँ पे एक ब्रिज पे हूँ मैं, दिस इज़ द ब्रिज. एंड इट विल टेक लाइक 2 मिनट्स वॉक टू एंटर द टेम्पल. बैजनाथ टेम्पल जो है ये गोमती नदी के किनारे बना हुआ है. सो दिस इज गोमती नदी. एंड गुड दैट देयर इज नो क्राउड हियर, सो आई कैन रिमूव माई मास्क एंड टॉक. लेट्स गो टू द टेम्पल. दिस इज द वे विच आई हैव टू वॉक. थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं. मैंने बोला कि ये ब्रिज है, इट्स नॉट अ ब्रिज एक्चुअली, इट्स अ पाथवे. एंड आई कैन ऑलरेडी सी द टेम्पल हियर. दिस इज गोमती रिवर एंड दिस साइड इज द टेम्पल. बड़ी सी घंटी है मंदिर के एंट्रेंस पे ही, बट बिकॉज ऑफ कोरोना वन इज नॉट अलाउड टू टच इट. तो इसलिए उन लोगों ने इसको कवर कर दिया, सो दैट नो वन इज टचिंग इट. पार्वती माता का मंदिर है, दिस इज़ द मेन टेम्पल. और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पार्वती माता का मंदिर बनाने से पहले शंकर भगवान का मंदिर हुआ करता था. तो इस मंदिर की एक और कहानी है कि शिव और पार्वती ने यहाँ पे शादी की थी, लोग ऐसा कहते हैं. तो दिस इज़ द मेन टेम्पल. टुगेदर यहाँ पे 18 मंदिर हैं. ऐसे यू कैन सी देयर इज लाइक अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, बट ये वाला जो मंदिर है ये मेन मंदिर है, पार्वती माता का मंदिर. बिकॉज ऑफ कोरोना द एंट्रीज टू द टेम्पल इज रिस्ट्रिक्टेड. सच अ नाइस प्लेस टू बी. एक मंदिर की जो हर जगह की एक ऑरा होती है ना, इट्स सो स्ट्रॉन्ग. ऑल्दो देयर इज नो पूजा हैपनिंग हियर, लाइक नो पीपल, नो पंडित यू कैन सी, बट स्टिल द ऑरा, देयर इज समथिंग एट दिस प्लेस दैट विल लीव यू लाइक फीलिंग सो पॉजिटिव. यहाँ पे जो ये इतने छोटे छोटे जो ये 18 टेम्पल्स हैं, इन सब में मूर्तियाँ हुआ करती थी, बट अभी आई मीन सिंस 1970 ये सारी मूर्तियाँ जो है इसमें रख दी गई है. ये वाला जो बिल्डिंग है जिसमें आप लॉग देख रहे हो, द रीज़न इज़ दैट कुछ सारे वो जो मूर्ति जो स्टैचूज है वो बहुत ज़्यादा एंटिक है, और वो शायद से चोरी हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, उस डर से उसको अंदर लॉक किया गया. आई थिंक समथिंग सिमिलर आई सॉ इवन इन छत्तीसगढ़. इंटरनेट यू विल फाइंड दैट यू नो दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड समवेयर बिटवीन लाइक 8th to 12th century, बट यहाँ पे इट्स रिटन 9th to 10th century. ऐसा कहा जाता है कि ये टेम्पल जो है सिर्फ एक रात में बनाई गई थी. सो whenever possible, whenever our world gets back to normal, do visit this temple when you come to Kausani. I'm telling you, it will leave you with like so much positivity. इतना आप यहाँ पे ना एक डिफरेंट तरह का पावर फील करोगे, आई प्रॉमिस यू. वैसे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, मंदिर से रिलेवेंट नहीं है, बट यहाँ मंदिर के सामने ही देर इज अ टॉयलेट. फीमेल ट्रैवलर्स, आई अंडरस्टैंड योर पेन. तो यहाँ पे एक बहुत ही साफ टॉयलेट है, आई यूज्ड इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू पे 5 रुपीज. मेरे पास चेंज नहीं है तो मैं 10 रुपये दे के जा रही हूँ. वैसे ये बात बोलना ज़रूरी नहीं था, बट क्योंकि मुझे बोलने की आदत है तो मैंने बोल दी.
ऑलराइट गाइस, सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर इटसेल्फ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ के सारे आश्रम और ये मंदिर घूम के। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि ये सारी जगह जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर की है, ये कौसानी के आसपास ही है, विद इन द रेडियस ऑफ लाइक 10 to 12 kilometers। द होम स्टे आई एम स्टेइंग स्टे इन कौसानी होम स्टे, वो लोग ये लोकल टूर भी प्रोवाइड करते हैं, तो जब भी आप कौसानी आओ utilize it, ask them for this day trip to all these places. I promise you, you are going to enjoy and it's gonna be a different sort of experience altogether. So please remember to like this video, aur video ka jo sabse favorite part tha aapka wo aap comment mein bata sakte ho mujhe. Channel ko subscribe kar dena and I will see you guys in the next episode. Jaate jaate ek bahut hi magical cheez main aapko yahan pe dikhati hu, just look at the cloud.